समझे थे कि ये लोग मार देंगे, जितनी गोलियां मारेंगे अवाम नहीं निकलेगी, अवाम निकलेगी, हम हकीकी आज़ादी हासिल करके रहेंगे। मुल्क नहीं निकलते, ये मुल्क हमारा है, हम इस मुल्क के मालिक हैं, इसलिए हम बाहर निकले। इस्लामाबाद छोड़ के दुनिया के हर चप्पे में वो लगा दे रुकावटें, जो मर्जी करे हम बिल्कुल तैयार हैं। खान साहब को भी अपने जख्म दिखाने पड़े इस कौम को कि वो ड्रामा नहीं था। जो जानते हैं खान साहब को, उनको पता है खान साहब हक सच की बात करते हैं, और जो झूठा प्रोपेगेंडा है वो झूठे प्रोपेगेंडा खुद ही करके, खुद ही प्लेटलेट्स गिरा के भाग जाते हैं मुल्क से। तो वैसे जी अस्सलाम वालेकुम, लॉन्ग मार्च से कशान अख्तर आपकी खिदमत में हाजिर है। लॉन्ग मार्च पिंडी के दूध में दाखिल हो चुका है, पीछे देख सकते हैं बड़ी तादाद है लोगों की। फैसल जवेद साहब स्पीच कर रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में यहाँ पर मौजूद है, और इमरान खान का खिताब भी थोड़ी देर बाद यहाँ पर स्क्रीन लगाई गई, उस पर दिखाया जाएगा लोगों को, उससे दिखाया जाएगा। पिंडी में लोग बार दाखिल हो चुका है, मैं इनसे जानना चाहूँगा ये कहाँ से आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आई हैं आप? इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से शिरकत करने के लिए? जी जी इस्लामाबाद। तो क्या कहना चाहेंगे, लॉन्ग मार्च को कामयाब होता देख रही हैं? जी इंशाल्लाह लॉन्ग मार्च को भी कामयाब होते हुए देख रहे हैं, और जितना ये सारा करप्ट सिस्टम है इसको भी चेंज होते हुए देख रहे हैं हम लोग। तो इमरान खान को गोलियां भी लगी हैं मगर फिर भी वो डटे हुए हैं, ऊपर से कहा ये जा रहा है कि इमरान खान ड्रामा कर रहे हैं, कौम को मुश्किल में डाल रहा है, क्या समझती है? देखिए जी, एक बड़ी अभी हमारे मुल्क की बड़ा अलमी है कि मर के दिखाना पड़ता है अरशद शरीफ को कि मैं गद्दार नहीं हूँ, और उनको मुल्क से भागना पड़ा, और अभी तक उनके पर इतने FIRs हैं, और वो मर के बताया और शहीद होकर उन्होंने बताया कि मैं गद्दार नहीं हूँ, मुझे ख़तरा था इस मुल्क में। इसी तरह खान साहब को भी अपने ज़ख्म दिखाने पड़े इस कौम को कि वो ड्रामा नहीं था। जो जानते हैं खान साहब को, उनको पता है खान साहब हक सच की बात करते हैं, और जो झूठा प्रोपेगेंडा है वो झूठे प्रोपेगेंडा खुद ही करके, खुद ही प्लेटलेट्स गिरा के भाग जाते हैं मुल्क से। तो वैसे इस्लामाबाद में आपके लिए मजीद इंतजाम किए जा रहे हैं? जी जी, तो इंतजाम हम भी तैयार हैं, हम इस मुल्क की को माए बहनें बेटियां तैयार हैं। कोई माँ अगर घर से बाहर निकलती है तो सोच समझ के निकलती है, अपनी औलाद के लिए निकले। हम इस मुल्क के नहीं निकलते, ये मुल्क हमारा है, हम इस मुल्क के मालिक हैं, इसलिए हम बाहर निकले। इस्लामाबाद छोड़ के दुनिया के हर चप्पे में वो लगा दे रुकावटें, जो मर्जी करे हम बिल्कुल तैयार हैं, हर तरह से तैयार। जी नाज़रीन, इस वक्त आपने ख्वातीन का जुनून भी देखा है, बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लोग अपने बच्चों के साथ आए हुए हैं। कहाँ से आई यहाँ बेटा? समा गार्डन। अच्छा, तो इमरान अंकल को क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं कहूँगी कि खान साहब अपने पर घबराना नहीं, पाकिस्तान की पूरी 22 करोड़ वहाँ आपके साथ खड़ी है। ये क्या समझे थे कि ये लोग मार देंगे, जितनी गोलियाँ मारेंगे अवाम नहीं निकलेगी, अवाम निकलेगी, हम हकीकी आज़ादी हासिल करके रहेंगे। इमरान अंकल से इतनी मोहब्बत? बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, हमारी पूरी कौम से, हमारी पूरी कौम को इमरान खान से मोहब्बत है। अभी तो आपका वोट भी नहीं बना और आप इतनी सपोर्ट कर रही हैं इमरान खान को? मैं तो करूँगी क्योंकि वो हमारा लीडर है, उस पूरे मुल्क का लीडर है। आपको किसने बताया कि वो आपका लीडर है? हम खुद सीख लेंगे क्योंकि उसने हमें पाकिस्तान का मतलब, हमारा तेरा मेरा रिश्ता क्या है पता है, पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। नाज़रीन ये देखें कि बच्चों को भी पता चल चुका है कि सियासत क्या है। मैंने जब सवाल किया है कि आपको किसने बताया कि इमरान खान लीडर है, बच्चे कह रहे हैं कि जी हमें मालूम हो चुका है। आप देखें बच्चों की मोहब्बत, अब सियासत जो है हर तरफ फैल चुकी है। इमरान खान ने एक ऐसा शऊर दे दिया है कौम को कि बच्चों बच्चों तक ये बातें फैल चुकी है। मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।